जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना ही यूट्यूब चैनल जॉब्स फ्री में। दोस्तों मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ NWDA यानी कि नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में। दोस्तों ये जो वैकेंसी है इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। कौन से पोस्ट पे क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया मैं आगे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। एज लिमिट क्या रहेगा पूरी जानकारी मैं आगे इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप करके देने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इसकी पूरी जानकारी के लिए सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना होगा या फ्रेंड्स इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके डायरेक्ट आप इस पेज पे आ जाएंगे। तो फ्रेंड्स जैसे आप इस पेज पे आएंगे आपको आ जाना ऊंचे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा वैकेंसी। तो सिंपली आपको वैकेंसी पे क्लिक करना होगा, उसके बाद वैकेंसी डिटेल्स पे क्लिक करना होगा। जैसे आप वैकेंसी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे आपका वैकेंसी डिटेल्स का पेज ओपन होकर आ जाएगा। आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना होगा अगर आप फोन में ये देख रहे होंगे। तो यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले देखिए होम पेज पाएंगे, वैकेंसी पाएंगे, वैकेंसी डिटेल्स पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पे आ जाएंगे वैकेंसी डिटेल्स वाले पेज पे। यहाँ पे आने के बाद देखने को मिल जाएगी जो फॉर्म फिल किया जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा और इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर जूनियर इंजीनियर का है, सिविल का है, उसके बाद हिंदी ट्रांसलेटर है, उसके बाद जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर का है, UDC का है, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का है, LDC का है और ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस है फ्रेंड्स, ये डायरेक्ट भर्ती है। और जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा डाउनलोड आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक PDF डाउनलोड कर ओपन होगा। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, जैसे आप देख पाएंगे। उसकी वजह से नीचे आएंगे ये जो फॉर्म फिल किया जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म फिल किया जाएगा, मैं जो इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं उसी टॉपिक पर बात कर लेता हूँ आपसे। फर्स्ट में आपको देखने को मिल जाएगा पोस्ट नेम, उसके बाद पे लेवल आपको देखने को मिल जाएगा, कैटेगरी वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, टोटल वैकेंसी एज क्या रहने वाला है। जैसे जूनियर इंजीनियर यहाँ पे सिविल के लिए पे लेवल आपका रहने लेवल आपका 6 रहने वाला है और आपका जो 35,400 से 1,12,400 आपका पे स्केल रहने वाला है, पे लेवल रहने वाला है। उसके बाद जनरल में 11 पोस्ट है, OBC में 1 पोस्ट है, SC में 3 पोस्ट है, ST में पोस्ट नहीं है। तो फ्रेंड्स अगर आप ST से अप्लाई करना चाहते हैं आप UR यानी जनरल से अप्लाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। EWS में 1 पोस्ट है और टोटल 16 पोस्ट है। ये 18-27 वर्ष के बीच में अगर आते हैं तो आप एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे। दूसरा आता है हिंदी ट्रांसलेटर, इसमें फ्रेंड्स इसका भी लेवल 6 रहने वाला है, 35,400 से 1,12,000 पे स्केल रहने वाला है, टोटल इसमें 1 पोस्ट है और ये जो पोस्ट है UR के लिए जनरल के लिए। तो फ्रेंड्स अगर आप SC ST EWS अगर आप SC ST से अप्लाई करना चाहते हैं तो फ्रेंड्स OBC से अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको OBC से अप्लाई नहीं कर पाएंगे, आपको सिंपली UR से अप्लाई करना होगा। इसमें 1 पोस्ट है और 21 से 30 वर्ष के बीच में अगर आपका एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे। जूनियर अकाउंटेंट्स का आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, इसका भी सेम पे स्केल रहने वाला है, 4 पोस्ट है और OBC के लिए 1 है और जनरल के लिए 4 है। तो अगर आप SC ST से अप्लाई करना चाहते हैं आप सीधे जनरल से अप्लाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। वैसे फ्रेंड्स आपको अपर डिवीजन कलर का आपको देखने को मिल जाएगा, इसका जो पे लेवल है 4 रहने वाला है, 25,500 से 81,100 रहेगा। उसके बाद 7 पोस्ट है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए 1 है, EWS के लिए 1 है, ST के लिए नहीं, ST वाले अप्लाई करेंगे सीधे जनरल से। 18-27 वर्ष के बीच में अगर आप कहे जाता है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे। स्टेनोग्राफर का है, इसका भी पे स्केल आपको देखने को मिल जाएगा, 3 पोस्ट है। उसके बाद लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए फ्रेंड्स इसका पे स्केल लेवल 2 रहने वाला है, 19,900 से 63,200 रहेगा। इसमें टोटल 8 पोस्ट हैं जिसमें फ्रेंड्स आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे OBC जनरल के लिए 8 हैं और यहाँ पे OBC के लिए 4 हैं, SC के लिए 3 है, ST 6 है, ST के लिए 3 है और EWS के लिए 2 हैं। टोटल 23 पोस्ट, 18-27 वर्ष इसमें एज मांगा गया है। तो आप आकर यहाँ पे एज एक बार सही से चेक कर लीजिएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप कौन से पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप यहाँ से आसानी से चेक कर पाएंगे। जैसे जूनियर इंजीनियर से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अगर आप डिप्लोमा किए हैं सिविल इंजीनियरिंग से तो आप इसमें एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे। डिजरेबल में आपको ये पोस्ट ये सब क्वालिफिकेशन मांगा ये है तो उसमें लगा दीजिएगा, कोई मास्टर डिग्री हो तो ऐड कर दीजिएगा। उसकी वजह से नीचे आएंगे आपको देखने को मिल जाएगा जूनियर अकाउंटेंट्स ऑफिसर के लिए, यहाँ पर जो आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया इसमें फ्रेंड्स मांगा गया डिग्री आपके पास कॉमर्स से होना चाहिए, उसके बाद फ्रेंड्स 3 ईयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स डिजरेबल में आपको देखने को मिल जाएगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, अगर हो तो आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपर डिवीजन क्लर्क का देखने को मिल जाएगा, इसमें फ्रेंड्स डिग्री मांगा गया किसी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से अगर आप डिग्री पास हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे। साथ में फ्रेंड्स डिजरेबल में अगर आपके पास इसका नॉलेज होगा, कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आपके लिए सही रहेगा। और जैसे नीचे आएंगे यहाँ पे स्टेनोग्राफर 2 का है, ये आप देख पाएंगे 10+2 पास है किसी बोर्ड से तो अप्लाई कर लेंगे। साथ में फ्रेंड्स आपका कंप्यूटर यहाँ पे टाइपिंग स्पीड भी इसमें मांगा जाएगा। उसके बाद सेम यही रहने वाला लोअर डिवीजन कलर के लिए सेम यही रहने 12 पास है तो आप इसमें अप्लाई कर लेंगे। उसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे
हिंदी जो अगर आप इंग्लिश स्पीड आपका होना चाहिए 35 का, हिंदी का स्पीड आपका होना चाहिए 30 का, तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे, अप्लाई कर लेंगे। और नॉलेज होना चाहिए आपके पास एमएस वर्ड का, ऑफिस का, एक्सेल का, पावर पॉइंट, इंटरनेट का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद जैसे नीचे आएंगे आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इंपॉर्टेंट डेट्स। ये ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे 10/5/2021 से। जैसे स्टार्ट होंगे आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। लास्ट डेट 26/6/2021 रखा गया, इससे पहले आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। सीबीटी एग्जाम के बारे में नहीं बताया कब इसका एग्जाम लिया जाएगा। इसका जो एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, आप देख पाएंगे 840 रखा गया है। और यहाँ पर जनरल, अगर आप जनरल ओबीसी हैं ईडब्ल्यूएस अप्लाई करेंगे तो 840 देना होगा। अगर वहीं फ्रेंड्स एंड यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 500 रुपये चार्ज देना होगा। एससी एसटी वुमेन आपको देखने को मिल जाएगा ईडब्ल्यूएस एंड पीडब्ल्यूडी के लिए 500 रुपये चार्ज देना होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। उसके वजह से नीचे आएंगे एज में छूट आपको देखने को मिल जाएगा, एससी एसटी को 5 ईयर्स का, ओबीसी को 3 ईयर्स का, फिजिकली हैंडीकेप का 10 ईयर्स का छूट मिल जाएगा। फिजिकली हैंडीकेप में अगर आप एससी एसटी हैं तो 15 ईयर्स आपको देखने को मिल जाएगा, ओबीसी हैं तो 13 ईयर्स का छूट देखने को मिल जाएगा, तो आप यहाँ से चेक कर ले। इस सर्विस मैन का भी 3 ईयर्स का इसमें छूट आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। जैसे आप देख पाएंगे अगर आप जूनियर इंजीनियर, हिंदी ट्रांसलेटर, उसके बाद जूनियर अकाउंट ऑफिसर, अगर यूडीसी से अप्लाई कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आपका केवल एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा। अगर आप इस पोस्ट से अप्लाई कर रहे हैं स्टेनोग्राफर एलडीसी से, तो फ्रेंड्स आपका जो कंपिटेटिव कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा। उसके बाद फ्रेंड्स आपका स्किल टेस्ट भी होगा जिसमें टाइपिंग टेस्ट भी हो सकता होगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। उसकी वजह से नीचे आएंगे हाउ टू अप्लाई, कैसे आपको अप्लाई करना होगा यहाँ पर दे रखा है। जैसे फ्रेंड्स फॉर्म अप्लाई होगा मैं सबसे पहले आपको इस चैनल पर वीडियो बनाकर बता दूंगा कैसे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। तो आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा फ्रेंड्स 25/6/2021 तक आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म फिल होगा। और यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी देखने को मिल जाएगा। तो इसमें यही दे रखा है फ्रेंड्स कैसे आपको इस फॉर्म को फिल करना होगा। जैसे नीचे आएंगे यहाँ पर नोट में दे रखा है, अगर आपका कोई भी आपका क्यूरी हो तो यहाँ पे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा ईमेल आईडी, यहाँ पे भी आप मैसेज करके यहाँ से पूछ सकते हैं। और ये 7 पेज क्या है फ्रेंड्स यही बताना था आपको इस वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। मैं आप सभी का रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा।